आपको बताने वाला हूँ बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों दरभंगा जिला, यह जिला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक दरभंगा जिला के नाम से जाना जाता है। इस जिले का हेडक्वार्टर दरभंगा शहर में मौजूद है। दरभंगा जिला होने के साथ साथ दरभंगा मंडल भी है। इस मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला और मधुबनी जिला। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर है। दरभंगा जिला के पड़ोसी जिले का नाम समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला, सहरसा जिला, सीतामढ़ी जिला और मुजफ्फरपुर जिला है। दरभंगा जिला बिहार का छठवां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस जिले की स्थापना मुगल शासक दरभंगी खान ने किया था। दरभंगा में पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा। दरभंगा जिला में 3 तहसील, 18 ब्लॉक, 37 पुलिस स्टेशन, 7 सरकारी बैंक, 10 विश्वविद्यालय, 5 सरकारी अस्पताल, 4 सरकारी इंटर कॉलेज, 329 पंचायतें और 1269 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो दरभंगा जिले का कुल क्षेत्रफल 2269 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जिला में रहने वाले परिवारों की संख्या 8,03,012 के करीब है। और बात करें जनसंख्या की तो 2011 के जनगणना के अनुसार दरभंगा जिला का कुल आबादी 39,38,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 20,60,000 तथा महिला की आबादी 18,78,000 है। इस जिले में हिंदू धर्म की कुल आबादी 30,42,000 यानी कि 77% और मुस्लिम धर्म की आबादी 8,83,000 यानी कि 23% है। इस जिले के औसत लिंगानुपात 910 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 910 महिला है। इस जिले के मुख्य नदी का नाम बागमती नदी है। बागमती नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 143 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 1144 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो दरभंगा जिला सामान्य साक्षरता वाला जिला है। यह जिला काफी हद तक पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन यह जिला काफी हद तक भी पढ़ने लिखने में समझ है। इस जिले के महत्वपूर्ण कॉलेज के नाम इस प्रकार है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटिक्स दरभंगा, दरभंगा मात्र शिक्षा महाविश्वविद्यालय, ये सभी इस जिले में स्थित है। वैसे इस जिले में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज है जिसके माध्यम से दरभंगा जिले के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती है। बागमती नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यह जिला काफी हद तक उपजाऊ है और काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आम पैदावार में यह जिला काफी मशहूर है। वैसे इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े कारखाने हैं जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान होता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो दरभंगा में भारत का दूसरा लाल किला भी मौजूद है। दरभंगा बस स्टैंड के करीब दरभंगा राज का किला, यहाँ पर आने वाले लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। यह किला देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। दरभंगा के महाराज का यह किला उत्तर भारत का निराला और दिलचस्प इमारतों में से एक है। टूरिस्ट स्थलों में इस जिले में सुमार दरभंगा राज परिसर, अहिल्या स्थान एवं गौतम स्थान और यहाँ की शाही जामा मस्जिद है जो टूरिस्ट को अच्छी तरह से लाभ देती है। सड़क रास्ते की बात करें तो यह जिला सड़क के माध्यम से बिहार और भारत के कई बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 57 और नेशनल हाईवे संख्या 105 दरभंगा को जयनगर से जोड़ती है। दरभंगा जिला 105, 57, 56 आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यह जिला बस के माध्यम से भी आसपास के जिलों और गांव के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम दरभंगा जंक्शन है। दरभंगा जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म और 8 ट्रैक शामिल है। दरभंगा जंक्शन इस सेंट्रल रेलवे जोन के